हाय, क्या आप हेयर फॉल से परेशान हैं, वेट गेन हो रहा है या फिर आपकी मेंसेस इरेगुलर हो रही है? अगर हो रही है तो बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है या फिर आपको और अन्य प्रॉब्लम उभर के आ रही हो, तो क्या आपने चेक कराया कभी कि आप पीसीओएस से तो नहीं जूझ रहे हो? पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आजकल एनी ऑफ द थ्री लेडीज को मिल जाती है आउट ऑफ 10। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आपसे इसी समस्या के बारे में। हम जानेंगे उसके रीजंस, उसके सॉल्यूशंस भी आल्सो। तो अगर आप इन सब में से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस। नमस्ते एंड वेलकम टू इंदूज वेलनेस हब। आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड ए योगा इंस्ट्रक्टर, एंड माई मिशन इज टू हेल्प ए लॉट ऑफ लेडीज इन अचीविंग ए गुड हेल्थ एंड गेट रिड ऑफ पीसीओएस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीसीओएस के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। क्या आपको पता है कि पीसीओएस कितने प्रकार का होता है? हम में से अधिकतर लोग ये सोच लेते हैं कि पीसीओएस है, दैट इज वेरी कॉमन, एंड हम लोग मेडिसिन्स लेते हुए चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीसीओएस बहुत सारे रीजन से होता है, और जनरली 4 टाइप्स ऑफ पीसीओएस आर रिसेंटली डायग्नोस्ड, जिसमें से एक सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस होता है। सेकेंडली होता है पोस्ट पिल पीसीओएस, एंड थर्ड इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, एंड फोर्थ जो आता है एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड पीसीओएस। इसके अलावा और जो पीसीओएस होते हैं उनमें हम कह सकते हैं स्ट्रेस रिलेटेड पीसीओएस, जेनेटिक पीसीओएस। तो ये सारे अपने नाम के अकॉर्डिंग अपने अपने सिम्टम्स को लेकर के आते हैं, और उनके सोल्यूशन भी अलग अलग होते हैं। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जनरली हमें कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं और मेंसेस को रेगुलर करने के लिए कह देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? क्या लाइफ लॉन्ग मेडिसिन को लेकर के ही आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आज क्यों ना हम बात करें उन सब रीजंस और उनके सॉल्यूशंस होलिस्टिक अप्रोच के साथ, जहां हम न केवल पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। हाँ जी, पीसीओएस रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इसमें जरूरत है आपके मोटिवेशन की, आपके स्ट्रॉन्ग डिजायर की। पीसीओएस जहाँ मैंने बताया कि मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जहाँ की ओवरी अपने टाइम पर एक को प्रोड्यूस करके उसे नहीं कर पाती है रिलीज, तो पीसीओएस होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर लेडीज में ये प्रॉब्लम हो। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि इंसुलिन को रेजिस्टेंस होता है बॉडी में। हमारी बॉडी जब अधिक मात्रा में इंसुलिन बनाते हैं, पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाते हैं, उसको हमारे बॉडी के सेल्स जब प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अधिक बढ़ती है, तो वो दूसरे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करती है, एंड एज ए रिजल्ट पीसीओएस भी उभर करके आता है। एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड पीसीओएस में होता क्या है कि मेल रिलेटेड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण भी हमारे चेहरे पे बाल वगैरह का उगना, ब्रेस्ट पे या पीठ पे एक बाल का होना, एक्नेस का होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो कि उभर के आती है, और इनका सॉल्यूशन होता है होलिस्टिक अप्रोच के साथ। अगर हम बात करें डाइट रिलेटेड की, तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिंस हर्ब्स है जिनका यूज करके हम अपने इन सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम रेगुलर प्रैक्टिस के साथ हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाइट पे जाएं नॉर्मली, तो हम क्या करेंगे? हमें वो सब खान पान छोड़ना पड़ेगा जो हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता हो। इसके अलावा अगर मैं जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है उनमें अगर मैं बात करूंगी, तो मैं आपको कहूंगी कि आप प्रोसेस्ड फूड वो बिल्कुल न ले, पैकेट वाले फूड उनको भी आप अवॉइड करें। यहाँ पर अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो तो हम जनरली कहते हैं कि मिल्क से भी आप दूर रहे, क्योंकि मिल्क ज्यादातर हार्मोन इंड्यूस्ड होता है और आपकी बॉडी में पहले से ही हार्मोन की प्रॉब्लम चल रही है, तो वो फिर हार्मोन जो इंड्यूस्ड मिल्क है वो आपके हार्मोन्स को और इम्बेलेंस करता है, तो मिल्क से दूर रहना। ग्लूटेन फ्री डाइट भी बहुत हद तक हेल्प करती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि हर लेडी में हर प्रॉब्लम उभर करके आए। किसी लेडीज में हमने ये देखा है कि हेयर फॉल्स होते हैं,
किसी में मेंसेस की प्रॉब्लम आती है, किसी में बाल ज्यादा उभर करके आते हैं, कोई लीन एंड थिन भी हो जाती है पीसीओएस में, तो कोई वेट गेन भी करती है। तो उन सारे सिम्टोमेटिक जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उन पे काम करना बहुत जरूरी है, और उनके अकॉर्डिंग ही डाइट को प्लान करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट भी यहाँ पर एक अच्छा सोर्स होता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। प्रोसेस्ड फूड में जहाँ तक आपको है वो मना किया ही जाएगा। एंड अगेन जो नेक्स्ट थिंग, आपको सुगर का कंजप्शन बहुत कम करना होगा, लो ग्लाइसेमिक डाइट पे जाना होगा। रीजन, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन काफी मात्रा में बन रहा है जो कि आपको आगे चल करके डायबिटिक में कन्वर्ट कर सकता है। हाँ जी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही ज्यादातर मात्रा में पीसीओएस की कंडीशन उभर के आती है। अगर सेकेंडली हम बात करें कि हमारे जो ये हार्मोन्स इम्बेलेंस हो रहे हैं वो आगे चलकर आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की तरफ भी ले जा सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल भी एक छोटी सी चीज नहीं समझना, बल्कि प्रॉपर केयर लेना है इसके लिए और अपनी डाइट को अच्छा से फॉलो करना है। आपकी कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी डाइट लेनी है, उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड विल बी हैप्पी टू डू दैट। अगर हम बात करें कुछ एक्सरसाइज की, होलिस्टिक अप्रोच की, तो अगर होलिस्टिक अप्रोच में मैं कहूं आपसे, तो चक्रा बैलेंसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर दिस। चक्रा बैलेंसिंग इसलिए कि ये हमारे स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र जो है ये इम्बेलेंस होते हैं पीसीओएस में, और उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस भी जरूरी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डाइट प्लान भी जरूरी होती है। एंड नेक्स्ट थिंग जो अगर हम कर सकते हैं वो होती है कि हम उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने के साथ साथ उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर हम योगा की बात करें तो इसमें अगर हम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल देखते हैं तो बटरफ्लाई पोज को हम देखते हैं। सुप्त बटरफ्लाई पोज भी काम करती है, मल्लासन काम करता है, फिश पोज काम करता है, काउ केट पोज काम करता है। तो ये बहुत सारे आसन होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं पीसीओएस से आउटकम करने के लिए। स्ट्रेस फ्री होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है कि स्ट्रेस भी एक बड़ा रीजन होता है पीसीओएस का। तो स्ट्रेस फ्री आपको होना है। अच्छी नींद आपको 7 to 8 hours की लेना बहुत कंपलसरी होता है, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहे, आपकी बॉडी फिट रहे। तो ये सब चीजें हैं जिनको आप अपनी बॉडी में डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आप न केवल पीसीओएस से उभर करके आए हैं, आप इनको मैनेज कर पा रहे हैं, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप जिंदगी भर दवाइयां लेते रहे और चलते रहे लाइफ को, क्योंकि कोई भी दवाई अगर हम लंबे समय तक लेते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स लेकर के आती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके कारण आगे आपको चल करके डायबिटीज भी हो सकता है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो बी केयरफुल एंड कोशिश करो कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लो, तो आपकी लाइफ आगे चल करके बहुत जल्दी सुधर सकती है। पीसीओएस में एक प्रॉब्लम जो और आती है वो होती है कि कंसीविंग की। तो अगर आप पीसीओएस को मैनेज कर लेते हो तो आप आराम से कंसीव भी कर सकते हो। होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनाना है, डाइट का ख्याल रखना है, स्ट्रेस पे काम करना है, स्लिप पे काम करना है। तो इन सब छोटी छोटी चीजें को आप अगर डेली रूटीन में फॉलो करोगे तो आप जरूर अपने आप को एक वॉरियर की तरह पाओगे और आप एक दिन जरूर आप विजेता बनोगे। तो इन सब चीजों के लिए अगर आपको किसी पर्सनलाइज हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके या आपके किसी नियर एंड डियर के काम आ सकता है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल थ्रू दिस वीडियो। होप दिस विल हेल्प यू एंड योर नियर एंड डियर। बाय बाय एंड सी यू।